अरावली पर्वत श्रेणी के बारे में आप सभी जानते हैं, और आप सभी जानते हैं कि अरावली पर्वत श्रेणी जो है भारत के चार राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तृत है। ठीक है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, गुजरात से चालू होती है पालनपुर से और दिल्ली रिज तक है आपकी। तो चार राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली आता है आपका, हरियाणा आता है, राजस्थान आता है और गुजरात आता है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात कर रहा हूं। अब आप सभी को पता है कि अरावली विश्व के प्राचीनतम पर्वत श्रेणियों में से एक है ना, सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणियों में से एक है। जैसे अमेरिका में अपलेशियन है, उसी तरीके से भारत में अरावली, और ऐसा भी कहा जाता है कि अरावली पर्वत श्रेणी हिमालय से भी प्राचीन है। लेकिन समय के साथ साथ कोई भी चीज वैसी नहीं रहती जैसी नवीन अवस्था में होती है ना। जैसे हिमालय आपका नवीन वलित पर्वत है, तो बहुत ऊंची ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं, ऐसी स्थिति कभी अरावली की भी थी। समय के साथ अरावली का अपक्षय अपरदन होता गया और इस कारण से ये अवशिष्ट पर्वत के तौर पे वर्तमान में विद्यमान है, रेसिडुअल माउंटेन आज के टाइम पे बचा हुआ है, मतलब धीरे धीरे आपका अपरदित होता चला गया। तो अरावली पर्वत लगातार अपक्षयित हो रहा है, अपरदित हो रहा है लगातार। यहाँ पे एक तरीके से जो वनस्पतियां हैं वो वनस्पतियां आपकी जो है खत्म होती जा रही हैं, भूमि का क्षरण हो रहा है, मरुस्थलीकरण हो रहा है, और इस मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए, इस अपक्षय को रोकने के लिए, इस अपरदन को रोकने के लिए अभी जो है अरावली ग्रीन वॉल परियोजना चालू की गई है। ठीक है, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा एक ये बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना है आपकी अरावली ग्रीन वॉल परियोजना। ग्रीन वॉल का मतलब यह है कि अरावली को हमें फिर से हरा भरा बनाना है। ठीक है, अरावली को हमें क्या करना है, फिर से एक हरा भरा जो है जैसा अरावली था। ये आप देखिए, अरावली की शुरुआत होती है पालनपुर से लेकर के, मैप में आप देख पा रहे होंगे, यहां से शुरू होता है गुजरात से, पालनपुर से, और यहां दिल्ली रिज तक है आपका। ठीक है, तो अरावली को फिर से हरा भरा बनाना है। हरा भरा बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहां पे वृक्षारोपण बड़े स्तर पे करना पड़ेगा। तो 21 मार्च 2023 को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस होता है, हर साल 21 मार्च को अंतरराष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय वन दिवस। अंतरराष्ट्रीय वन दिवस के अवसर पर जो है हरियाणा के केंद्रीय जो हरियाणा के हरियाणा गवर्नमेंट है और साथ ही केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, केंद्रीय यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के, इनके द्वारा अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका शुरू किया गया। कहां से चालू किया गया, हरियाणा के टिकली गांव से। हरियाणा के टिकली गांव से यह परियोजना आपकी चालू की गई है, हरियाणा के टिकली गांव से यह परियोजना आपकी स्टार्ट की गई है। इसका उद्देश्य है अरावली के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो बफर रीजन है, कम से कम 5 किलोमीटर का क्षेत्र अरावली पर्वत श्रेणी और उसके साथ साथ 5 किलोमीटर का बफर क्षेत्र को हमें हरा भरा बनाना है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास जो है हमें क्या करना है, मरुस्थलीकरण को रोकना है, भूमि क्षरण को रोकना है। इसको लेकर के एक राष्ट्रीय कार्य योजना के तौर पे इसको एस्टेब्लिश किया गया। ठीक है, और ये परियोजना आपकी हरियाणा, दिल्ली, गुजरात और दिल्ली वाले क्षेत्र तक शामिल है। लगभग 60 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला का विस्तार है और इस पूरे क्षेत्र में हमें क्या करना है, वनरोपण करना है, हमें फिर से वनीकरण करना है, फिर से यहाँ पे जल स्रोतों की बहाली करना है और अरावली क्षेत्र को हरा भरा बनाना है, यहाँ की जैव विविधता में बढ़ोतरी करनी है, ताकि यहाँ की मिट्टी, देखो मिट्टी तो उर्वर है, बस जल की उपलब्धता हो जाए तो यहाँ के परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन में सुधार हो जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वाकांक्षी परियोजना है, चारों के चारों राज्य से वो होंगे और यहाँ का जो इकोसिस्टम है, यहाँ की जो बायोडाइवर्सिटी है वो आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी, इसलिए पूरा का पूरा ये किया गया। हाँ, गुरु शिखर सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है, यहाँ पे राजस्थान में अवस्थित है गुरु शिखर, और अरावली एक रीजन है जिसके कारण से जो अरब सागर से आने वाली मानसूनी शाखा है ना, वो यहाँ पे वर्षा नहीं करवा पाती है। ये आप सभी जानते हैं, आमतौर पे चीजें आप सभी को तथ्यात्मक तौर पे पता है। तो अरावली के हरा भरा हो जाने से इस जगह पे ग्राउंड वाटर रिचार्ज भी होगा, बायोडाइवर्सिटी में चेंज आएंगे। ये एक बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी परियोजना के तौर पे आप इसको देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट आपकी न्यूज है, सभी लोग जानिएगा। अब देखो, मैं आपको एक बहुत महत्वाकांक्षी करंट अफेयर्स बताने जा रहा हूं जो पिछले वर्ष साल भर चर्चा में रहा। वैसे मैं इस पे चर्चा कर चुका हूं, लेकिन एक बार मैं चाहता हूं कि अगेन मैं आप लोगों को ये रिवाइज करा दूं और बता दूं, ये है आपका मणिपुर हिंसा। मैं इसको एक बार फिर से रिवाइज कराने जा रहा हूं। वैसे मैं एक बार आपको बता चुका हूं, क्योंकि मुझे जहां तक लगता है कि आने वाला जो प्री एग्जाम है या मेंस एग्जाम है, जो भी एग्जाम आपका होगा,
वहां पे इससे क्वेश्चन जरूर बनने चाहिए, क्योंकि ये अपने अपने सबसे बर्निंग टॉपिक था। और मणिपुर पहले भी जल रहा था, मणिपुर अभी भी जल रहा है, अभी भी वहां पे शांति का माहौल नहीं है देखा जाए तो। अभी भी देखो शांति का माहौल कब आता है, जब हम किसी भी क्षेत्र में, यदि कोई क्षेत्र अशांत हो गया ना, तो वहां पर सामुदायिक एकता जब तक एस्टेब्लिश ना कर दें। समय समय पर अभी वहां पर भी स्थितियां सामान्य नहीं है, बहुत सारी खबरें आ पाती हैं, बहुत सारी खबरें नहीं आ पाती हैं। तो मणिपुर जो आपका है, ये एक इतनी बड़ी घटना घटी 2023 में, मणिपुर हिंसा, जिसने मानवता को शर्मसार कर दिया, लोकतंत्र को शर्मसार कर दिया, सामाजिक मूल्यों को शर्मसार कर दिया, मानवता को पूरी तरीके से इसने खत्म करके रख दिया। एक बार इस पूरे घटनाक्रम को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, वैसे भी मैं पहले समझा चुका हूं इस घटनाक्रम को। और देखिए मणिपुर आप सभी जानते हैं एक नॉर्थ ईस्ट में है आपका, है ना, नॉर्थ ईस्ट में है, तीन तरफ से, एक तरफ से नागालैंड लगता है, एक तरफ से असम लगता है, एक तरफ से मिजोरम लगता है, इसके साथ सीमा साझा करता है, ठीक है, और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। एक तरफ म्यांमार है, म्यांमार है, नीचे मिजोरम है, इसके मिजोरम है, ऊपर नागालैंड है, ठीक है, मानचित्र में देखें, और इधर आपका असम पड़ता है। अब आप इसको देखें तो दो चीजें हैं इसमें, यदि मैं मणिपुर की बात करूं तो मणिपुर में एक तो आपका पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र, और दूसरा यहां पे है घाटी क्षेत्र। टोटल 6 जिले हैं यहां पे मणिपुर में, कितने जिले हैं, 6, वो माफ करेगा 16 जिले हैं, ठीक है, यहां पे कितने हैं, 16 जिले टोटल मणिपुर में, टोटल 16 जिले हैं, कितने जिले हैं, 16 जिले। तो यदि हम 16 जिलों की बात करें तो इसमें 5 जिले 16 पहाड़ी जिले हैं, 5 जिले आपके टोटल पहाड़ी हैं, और पहाड़ी क्षेत्र पे जनजातियों का निवास है। यहाँ पे दो तरीके के समुदाय रहते हैं, एक तो जनजातीय समुदाय और दूसरे गैर जनजातीय समुदाय, जनजातीय समुदाय और दूसरे आपके गैर जनजातीय समुदाय, ठीक है, जनजातीय समुदाय और गैर जनजातीय समुदाय, ठीक है। टोटल 16 जिले हैं जिसमें से 5 जिले पहाड़ी हैं आपके, बाकी आपका जो है देखा जाए, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, पहाड़ी क्षेत्र लगभग 90% क्षेत्र पर है, 90% क्षेत्र आपका पहाड़ी ही है, 11 जिले घाटी के में जरूर है, लेकिन ये सारे के सारे लगभग 10% क्षेत्र ही है इसका, ज्यादा नहीं है, मतलब पहाड़ी क्षेत्र ज्यादा है। अब दरअसल यहां पे दो तरीके के समुदाय रहते हैं, जनजातीय समुदाय में नागा जनजाति के लोग हैं, ठीक है, और दूसरा है कुकी जनजाति, कुकी चिन जनजाति, ये समुदाय है, इनमें बहुत सारे उपसमुदाय भी होंगे अनुसूचित जनजातियों में। और गैर जनजाति की बात करें तो गैर जनजाति में यहां पे है मैतेई समुदाय, मैतेई। अब दरअसल मुद्दा आप समझिएगा, इनकी संख्या ज्यादा है और राजनीतिक तौर पे भी देखा जाए तो इनका राजनीतिक प्रतिनिधित्व भी ज्यादा है, दोनों चीजें ज्यादा है। ये जो जनजातीय समुदाय है ये पहाड़ी रीजन पे ज्यादातर रहती हैं, ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र जो आपका है ज्यादातर रहती हैं। अब पूरा का पूरा मामला सिर्फ और सिर्फ जो पूरा भड़का है, ये गैर जनजातीय समुदाय कह रहा है हमें भी जनजातीय समुदाय में बना लिया जाए। इसकी एक लंबी मांग चली आ रही है, क्योंकि आजादी के पहले मैतेई जनजाति जो है पहले जनजातीय हुआ करती थी, जनजातियों में आती थी, लेकिन वर्तमान में इसका दर्जा आजादी के बाद गैर जनजाति के तौर पे है, ठीक है। अब दरअसल एक निर्णय आता है मार्च 2023 में मणिपुर हाईकोर्ट का एक निर्णय आता है, वहां पे जो है मणिपुर हाईकोर्ट कहता है कि जो गैर जनजातीय मैतेई समुदाय है, इस समुदाय को अनुसूचित जनजाति का क्या किया जाए, दर्जा दे दिया जाए, ठीक है। राज्य को यह कहा जाता है, निर्देश दिया जाता है कि इनको जो है जल्द से जल्द जो है आप अनुसूचित जनजाति का दर्जा दे दीजिए, इसमें सम्मिलित कर दीजिए मैतेई जनजाति को। यह हाईकोर्ट कहता है, मणिपुर हाईकोर्ट, ठीक है। अब राज्य सरकार को जब निर्देश दिया जाता है, क्योंकि मैतेई समुदाय आपका ओबीसी और एससी कैटेगरी के अंतर्गत आता है ज्यादातर, और ये लंबे समय से मांग कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति मांग समिति है जो कि लगातार कह रही है भाई हमें एसटी पे हमें दिया जाए। तो जैसे ही ये निर्णय आता है, इसके निर्णय आने के बाद जो जनजातीय समुदाय है ये कहता है कि इसको जनजातीय समुदाय में शामिल करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत? क्योंकि कहना है कि जो मैतेई समुदाय है यहां पे, एक तो संख्या में ज्यादा है, दूसरा शैक्षणिक तौर पे, सामाजिक तौर पे, आर्थिक तौर पे ये अग्रणी समुदाय है।
राजनीतिक प्रतिनिधित्व इनका सबसे ज्यादा है। तो यदि इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनको जो है आरक्षण के अन्य लाभ भी प्राप्त हो पाएंगे और इनको जो है इनके अधिकार खत्म हो जाएंगे, इनके अधिकार छिन जाएंगे। तो ये समुदाय इसका विरोध करता है कि भैया इनको जनजातीय समुदाय में ना लाया जाए। सिंपल सी बात है, देखो बहुत ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये समुदाय जनजातीय समुदाय में अपने आप को चाहता है। मणिपुर हाईकोर्ट ने कहा भी कि भैया इनको अनुसूचित जनजाति में सम्मिलित करो। ये इसका विरोध करता है, ये कहता है कि यदि इनको इनकी जरूरत नहीं है क्योंकि ये शैक्षणिक तौर पे, राजनीतिक तौर पे, आर्थिक तौर पे, सामाजिक तौर पे इनका प्रतिनिधित्व अच्छा है, अग्रणी है, इनकी बेहतर स्थिति है और यदि इनको एसटी का दर्जा दे दिया जाएगा तो इनके राइट जो है छिन जाएंगे, इनके लाभ नहीं इनको मिल पाएंगे। और पहाड़ी जिलों में इनका भी प्रतिनिधित्व बढ़ना चालू, क्योंकि पहाड़ी जिलों में तो नागा कुकी चिन्ह जनजातियां रहती हैं। अब देखो जनजातियों में क्या ना, अपनी संस्कृति अपने कल्चर को लेकर के बहुत ज्यादा ठीक है, तो जल जंगल जमीन इनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो इनको लगता है मैतेई समुदाय जो है क्या करेगा, पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन खरीदने लग जाएगा। तो जो इनका जनजातियां हैं जो यहाँ पे ऑलरेडी रह रही हैं, ये अपने क्षेत्र से अपने अधिकारों से वंचित हो जाएंगी। ये पूरा का पूरा मैटर हुआ। और जैसे ये मैटर आपका हुआ उसके बाद से, मतलब एक संस्था है आपकी यहाँ पे अखिल जनजातीय छात्र संघ मणिपुर, ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन मणिपुर, जिसको हम बोलते हैं ATSUM, इसके द्वारा बड़े स्तर पे मार्च किया गया इस मुद्दे को लेकर विरोध में। उन्होंने कहा भैया ये नहीं होना चाहिए, इनको नहीं मिलना चाहिए। और जैसे ये घटना घटी, आग की तरह घटना फैल गई, मैतेई समुदाय, कुकी और चिन समुदाय के बीच में भिड़ंत हुई और ये हिंसक घटना में परिवर्तित हो गई। ये पूरी की पूरी घटना आपकी मणिपुर घटना है, मणिपुर हिंसा है, जिसकी आग काफी लंबे समय तक चली। वहां पे कुकी और चिन जनजाति, नागा जनजाति, क्योंकि मैतेई समुदाय का जो है संख्या ज्यादा है, तो जनागा जो पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, इनके घरों को जला दिया गया, लोगों को मार दिया गया, कितने लोग मारे गए, बहुत बुरी स्थिति आपकी हो गई। ठीक है, तो ये जो है मणिपुर जलता रहा और काफी लंबा जलता रहा, इसमें कंडीशंस काफी खराब हुई। मणिपुर हिंसा अपने आप में एक ऐसा मुद्दा बन गया जिस मुद्दे से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस पे चर्चा हुई और अभी भी ये चर्चा का विषय है कि मणिपुर मुद्दा। और इसको इतना ज्यादा, जितना इसको तवज्जो दी जानी चाहिए, जितना इस पे ध्यान दिया जाना चाहिए, जितना इस पे गौर किया जाना चाहिए, शायद उतना गौर इसको नहीं किया गया। ठीक है, तो ये आपको सभी को दिमाग में बैठाना है, क्लियर है, स्पष्ट है सबको, मणिपुर हिंसा क्या है सबको समझ में आ रहा है। अब मणिपुर हिंसा जब ये घटना घटी आपकी, क्योंकि देखो मैतेई जनजाति को पहले तो एसटी का दर्जा प्राप्त था, लेकिन आजादी के बाद एसटी का दर्जा छिन गया, तो एसटी के दर्जे को लेकर लगातार मांग चल रही थी। एसटी के दर्जे को लेकर हाईकोर्ट ने कहा कि भैया इनको एसटी का दर्जा दिया जाए, लेकिन इस पे विरोध पे कुकी और नागा जनजाति के लोग आए, जिसके कारण से ये पूरा का पूरा हिंसक झड़प में कन्वर्ट हो गया और हिंसा बहुत खतरनाक हुई। तो ये आपको दिमाग में बैठाना है, ये पूरा का पूरा घटनाक्रम है। आपसे कुकी मैतेई जनजातियों के बारे में पूछा जा सकता है, ये कहां से जुड़ी हुई हैं, क्या इनके कल्चर हैं, क्या इनकी संस्कृति है, इससे चीजें आ सकती हैं। अब केंद्र सरकार के द्वारा क्या किया गया कि मणिपुर हिंसा के लिए जांच के लिए एक आयोग बनाया गया। वैसे आयोग तो 4 जून 2023 को बना दिया गया था, 2-3 आयोग बनाए गए हैं, आयोगों के बारे में जान लो। 4 जून 2023 को एक आयोग आपका बनाया गया, केंद्र सरकार के द्वारा गठित किया गया, जिसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे जिनका नाम था अजय लांबा, वो आयोग के अध्यक्ष बनाए गए, और एक आईएएस अधिकारी थे हिमांशु शेखर दास और दूसरे आईपीएस अधिकारी थे आलोक प्रभाकर। ठीक है, 3 सदस्यीय एक आयोग गठित किया गया है जो मणिपुर हिंसा की जांच कर रहा है। और ये एक तो कमीशन आपका ये डेवलप किया गया, दूसरा मणिपुर में शांति समिति का भी गठन किया गया कि मणिपुर में शांति स्टैब्लिश हो, और इसके लिए वहां के जो राज्यपाल थे अनुसुईया उइके, ठीक है, वहां के राज्यपाल अनुसुईया उइके, उनको उनको एक कमेटी बनाई गई, मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया कि मणिपुर में जो जल रहा है, पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा का पूरा राज्य जल उठा, है ना, पूरा का पूरा राज्य दो भागों में विभाजित हो गया, पूरा का पूरा राज्य एक दूसरे के खून का प्यासा हो गया। ठीक है, तो मणिपुर शांति समिति का गठन किया गया जहां पे उनके राज्यपाल थे अनुसुईया उइके। इसके बाद जो है, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें पता नहीं है, जो तस्वीरें बाद में आई बहुत घिनौनी थी, बहुत शर्मसार करने वाली थी, भारत के इतिहास में ऐसी घटनाएं बहुत शर्मनाक कर देती हैं जब कभी आती हैं। वहां पे महिलाओं को नग्न अवस्था में जिस तरीके से भगाया गया, दौड़ाया गया, जिंदा लोगों को जलाया गया, घरों को जलाया गया, सब कुछ खत्म किया गया, ये सारी चीजें वहां से हमने देखी हैं।
ठीक है, पूरे भारत ने देखी है, तो मणिपुर जला है और लंबे समय से अभी भी देखा जाए तो अभी भी स्थिति कोई सामान्य नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने चीजों को काफी बहाल कर रखा, लेकिन बीच बीच में अभी भी घटनाएं हो रही हैं वहां पे। तो वहां के मुख्यमंत्री जो है एन बीरेन सिंह थे, ये भी मैतेई जनजाति से समुदाय से जुड़े हुए थे। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह, राज्य सरकार के कुछ मंत्री, सांसद, विधायक और जितने भी राजनीतिक दल वहां के हैं, उन सबको मिला करके एक आपकी कमेटी बनाई गई है। उस कमेटी का काम है कि भैया कैसे भी करके आप यहां पे शांति स्टेब्लिश करिए, ठीक है। और वहां पे मणिपुर में कुछ संगठन है जो कि हिंसक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। एक आपका यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट है, जिसको हम बोलते हैं UNLF, ठीक है। उसके साथ अभी गवर्नमेंट के द्वारा 29 नवंबर 2023 को एक शांति समझौता भी किया गया है कि भैया सीज फायर करो, घाटी में किसी भी तरीके का कोई भी जो है दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके से जो है गवर्नमेंट अपने तरफ से इसमें प्रयास कर रही है और मणिपुर हिंसा को शांत करने की दिशा में लगातार लगी हुई है। एक भारत जैसे देश के लिए जहां पर विचारों को, बातों को जो है हम अहिंसक माध्यम से सुलझा सकते हैं, देश की आजादी हमने पाई है, वहां पर इस तरीके की हिंसा को कोई जगह नहीं मिलनी चाहिए, ठीक है। तो मणिपुर हिंसा अपने आप में एक काला अध्याय है, ठीक है, एक काला अध्याय है। और इस पे जो है कहीं ना कहीं पे हमारी सरकारें असफल रही हैं, हमारी सरकारों ने इसको तवज्जो नहीं दी और मणिपुर जला और जलता रहा। अभी भी मणिपुर को अच्छे से यहाँ पे काम करने की जरूरत है, विश्वास बहाली की जरूरत है। तो ये आपका पूरा का पूरा घटनाक्रम था। मुझे लगता है संभवतः आपको समझ में आ गया होगा कि क्या पूरा का पूरा मामला था, क्यों जो है मणिपुर हिंसा भड़की और मणिपुर हिंसा के पीछे का कारण क्या है। ये मैं पहले भी बता चुका हूं, आज फिर आपको एक बार बता रहा हूं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट अगला देखिए, एक सर्वेक्षण है आपका, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण, ठीक है, 2021-22 का डेटा है ये, अभी यही रिपोर्ट आई है आपकी 2021-22। देखिए हमारे देश में बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग हब है, ठीक है, विनिर्माण इकाइयां हैं जो विज्ञान प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में है ना, बहुत सारे क्षेत्रों में क्या कर रही हैं जो है कार्य कर रही हैं और मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं विभिन्न प्रौद्योगिकियों को लेकर के। तो इसी को लेकर के आपका ये पूरा का पूरा सर्वेक्षण आया है और ये भारत सरकार का विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास जो है संगठन यूनिडो, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, फिर से ध्यान सुनिए, संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन यूनिडो, ठीक है, यूनाइटेड नेशन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है, उनके द्वारा पूरा का पूरा रिपोर्ट बनाई गई, जिसका अल्टीमेट गोल ये है कि जो हमारी मैन्युफैक्चरिंग फर्म है, जो विनिर्माण कर रही है, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है, वो नवाचार कितना कर रही है, नवाचार का प्रदर्शन कितना है, नवाचार को लेकर के क्या काम कर रही है, ठीक है। तो 27 अप्रैल 2023 को यह डेटा जारी किया गया और इसमें दो तरीके से आपके सर्वेक्षण आए हैं कि भैया फर्म स्तरीय सर्वेक्षण की फर्म किस लेवल पे काम कर रही है और दूसरा नवाचार किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके से बढ़ रहा है। तो इस पे एक कैटेगरी बनाई गई बड़े राज्यों की, बड़े राज्यों में नंबर एक पे है आपका राज्य कर्नाटक, बस आपको यह ध्यान रखना है, बस इससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नंबर एक में कर्नाटक है, दूसरे नंबर में तेलंगाना है और तीसरे नंबर पे आपका तमिलनाडु है, ठीक है। बड़े राज्यों में राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण में आपके ये है, बड़े राज्यों में ये स्कोर है आपका। पहाड़ी राज्यों की एक कैटेगरी बनाई गई, एक बड़े राज्यों की एक पहाड़ी राज्यों की है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है, पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड है, ठीक है, यह आपको ध्यान में रखना है। केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली है, ठीक है, दादरा एवं नगर हवेली है आपका, ठीक है, यह भी ध्यान रखिएगा। यूटीज में आपका कौन सा है, दादरा एंड नगर हवेली, यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है, बड़े राज्य पहाड़ी राज्य, एक तो आपका डेटा यह है,
विनिर्माण नवोन्मेष समिति को लेकर के। अब एक और आपको जो इम्पोर्टेंट है, जो जानना चाहिए, पहली बार ऐसा हुआ है भारत में कि जल निकायों की गणना की गई है। हमारे यहाँ जो वाटर बॉडीज हैं, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा इनका सेंसस किया गया, इनकी जनगणना की गई। अभी तक आम जनगणना तो नहीं आई है कि भारत की जनगणना जनसंख्या कितनी है, लेकिन देश में पहली बार जल निकायों की गणना हुई है, वाटर बॉडीज का सेंसस जारी किया गया है। ठीक है, अब ये क्या क्या हुआ इसमें, क्या क्या चीजें कि देश में कितने तालाब हैं, कितने टैंक हैं, कितनी झील हैं, कितने जल निकाय हैं, एक पूरा का पूरा आंकड़ा आपका, एक रिपोर्ट आई है आपकी अप्रैल 2023 में, भारत में जल निकायों की पहली गणना आई है। किसने जारी किया है? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने, केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह जारी किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा यह रिपोर्ट आपकी जारी की गई। किसके द्वारा? केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। यह वैसे मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, टोटल कितने हमारे जल निकाय हैं, याद रखिएगा 24,24,540, ये टोटल जल निकायों की संख्या है। टोटल कितने हैं? 24,24,540 जल निकाय टोटल हैं, जिसमें से ग्रामीण क्षेत्र में टोटल कितने जल निकाय हैं आपके? 97.1% आपके ग्रामीण क्षेत्र में है, और शहरी क्षेत्र की बात करें तो लगभग 2.9% आपके शहरी क्षेत्र में जल निकाय हैं। तो ज्यादातर जल निकाय कहां पर हैं? ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में कम है। ठीक है, अब जल निकायों में सबसे टॉप स्टेट कौन से हैं? शहरी क्षेत्र का अलग निकालना है और ग्रामीण क्षेत्र का अलग निकालना है। तो यदि हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो नंबर एक में पश्चिम बंगाल है सबसे ज्यादा जल निकायों के मामले में। ठीक है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, पहले नंबर पर आपका पश्चिम बंगाल है, तीसरे नंबर पे आपका आंध्र प्रदेश है। 1, 2, 3। ठीक है, शहरी क्षेत्रों की बात करें तो शहरी क्षेत्रों में नंबर एक पे पश्चिम बंगाल, दूसरे नंबर पे केरल है, और तीसरे नंबर पे वो माफ करेगा दूसरे नंबर पे तमिलनाडु है, तीसरे नंबर पे केरल है आपका तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे केरल है। ये आपके दो डेटा याद रखना है, पहली बात टोटल संख्या कितनी है, और एक चीज और इसमें ऐड करेंगे हम लोग कि मानव निर्मित कितने हैं, कृत्रिम कितने हैं, बहुत सारी चीजें तालाब वगैरह मानव निर्मित होते हैं, और प्राकृतिक जल निकाय कितने हैं। तो लगभग 22% आपके प्राकृतिक हैं, और यदि हम मानव निर्मित की बात करें तो मानव निर्मित की संख्या 78% है, 78% आपका कृत्रिम है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 22 और 78% का पूरा ये दर्जा है आपका। ठीक, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये आपका एक डेटा है जिस डेटा को आपको याद में रखना है, 24,24,540 ये टोटल जल निकाय पूरे भारत में निकल के आए हैं, जिसमें ग्रामीण क्षेत्र में 97.1, 2.9 शहरी क्षेत्र में, जिसमें पश्चिम बंगाल दोनों में टॉप में है। ठीक है, ग्रामीण, और दूसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश ग्रामीण क्षेत्र में, तीसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल। ठीक है, तो इसमें भारत ने टोटल जल निकाय कितने हैं, सभी जल निकायों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस डेवलप किया गया है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है, स्पष्ट है। एक चीज और जो मुझे लगता है कि इस बार एग्जाम में 100% पूछी जाएगी, इसका भी मैं एक रिवीजन आप लोगों को करवाना चाहता हूं। ठीक है, संभवतः आप सभी लोग जानते भी होंगे, लेकिन एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। हमारे देश के लोकतंत्र का मंदिर नया बन चुका है, आप सभी जानते हैं, संसद भवन, इससे क्वेश्चन 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, किसी ना किसी रूप में कैसे भी करके पूछेगा। आप सभी को पता है कि पहले औपनिवेशिक ढांचा था, अंग्रेजों के द्वारा इस्टेब्लिश किया गया था, एडविन लुटियंस का नाम आप सभी जानते हैं, हर्बर्ट वेकर का नाम आप सभी जानते हैं, इनके द्वारा ही सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट आपका लेकर के आया गया था, सेंट्रल विस्टा कॉम्प्लेक्स इन्होंने बनाया था। ये आज की बात नहीं है, 1931 की बात है, 1931 में आपका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था, ये जो हमारी पुरानी संसद भवन है ना, ये वाली। ठीक है, और ये पूरा का पूरा परिसर, केवल पुरानी संसद भवन नहीं, राष्ट्रपति भवन जो राजपथ है वहां पे, है ना,
नॉर्थ ब्लॉक है, साउथ ब्लॉक है, ठीक है, जितने भी वहां के जितना सब पुरानी संसद भवन राष्ट्रपति सब कुछ अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया था, ठीक है। समय के साथ देश की आजादी के 75 वर्षों तक हिस्से ने पुरानी संसद भवन जिसको अब हम संविधान सदन के तौर पे जानते हैं, इसका नाम हो गया संविधान सदन। पुरानी संसद नई संसद नहीं कहा जाएगा, यहाँ पे हमारे देश का संविधान भी बना, देश यहां से चला भी, हमारे लोकतंत्र का मंदिर भी रहा। तो 75 वर्षों तक इसी के माध्यम से कार्य किया गया, लेकिन 2023 में नई संसद बन के तैयार हो गई और नई संसद के माध्यम से अब देश आपका जो है एस्टेब्लिशमेंट जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि एक व्यापक स्वरूप जो है हमारे देश के लोकतंत्र को मिला है। अब इसके बारे में एक बार थोड़ा सा चीजों को हम विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। डेटे कुछ याद रखना है, ठीक है, नई संसद की डेट है 28 मई की, 28 मई 2023 यह अभूतपूर्व घटना है नई संसद भवन में प्रवेश करना, ठीक है। यह आपका 28 मई को उद्घाटन हुआ है इसका, 28 मई को जो है पहुंचा गया है इसमें। इस अवसर पे 75 रुपए का एक स्मारक सिक्का आपका जारी किया गया था भारत सरकार के द्वारा, ठीक है, और एक स्मारक डाक टिकट भी आपका जारी किया गया। तो यहां पे आप सभी को पता होगा कि जब ये संसद भवन का जो है यहां पे स्थापना की गई, संसद भवन का उद्घाटन किया गया, तो बकायदा विधि विधान के साथ पूजा की गई थी, सभी धर्मों के लोग यहां पे बुलाए गए थे। और इस अवसर पर स्पीकर की जो लोकसभा के स्पीकर है उनकी कुर्सी के बगल पे सेंगोल की स्थापना की गई थी। सेंगोल, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, प्रतीक चिन्ह के तौर पे सेंगोल की स्थापना भी की गई थी, ठीक है। और इस ये जो पूरा का पूरा संसद भवन आपका बना है त्रिभुजाकार आकृति में है, लगभग टोटल आपका जो है 64,500 स्क्वायर मीटर के क्षेत्र में विस्तृत है, 64,500 स्क्वायर मीटर स्क्वायर के क्षेत्र में पूरा का पूरा विस्तृत है। यहां पर जो है तीन प्रवेश द्वार बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार, कर्म द्वार, तीन द्वार बनाए गए हैं, ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार, तीन प्रवेश द्वार हैं, क्योंकि त्रिकोणीय श्रृंखला है तो तीन तरफ से प्रवेश द्वार बनाए गए हैं। तीन प्रवेश द्वार के साथ साथ लोकसभा सदस्यों की सीटों की संख्या बढ़कर 388 हो गई है। अभी संख्या नहीं बढ़ी, अभी परिसीमन आयोग 2026 में आएगा, वो संख्या बढ़ा भी सकता है, लेकिन अभी वर्तमान में बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 888 सीटें हो चुकी हैं बैठने की कैपेसिटी में। और साथ में राज्यसभा की सीटें जो हैं उनकी बैठने की कैपेसिटी बढ़ा दी गई है, 384 सीटें राज्यसभा में भी कर दी गई। तो ये बात दिखाता है कि आने वाले समय पे अब हमारे देश की जो विधायिका है उसके दोनों सदनों की सीटें भी बढ़ने वाली होंगी, और बढ़नी होंगी तो उसके लिए प्रॉपर का इसको किया जाएगा। अच्छा, पूरे उसमें जो भारतीय प्रतीक चिन्ह है, जैसे कि सबसे ऊपर आप देखेंगे तो हमारा जो अशोक स्तंभ है राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है उसको लगाया गया है। जो लोकसभा है, लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर का पूरा डिजाइन लिया गया है। लोकसभा में, लोकसभा वैसे भी ग्रीन कलर की होती है, तो लोकसभा में राष्ट्रीय पक्षी मोर का डिजाइन लिया गया है। राज्यसभा में जो आपका है वहां पर जो पूरा का पूरा डिजाइन लिया गया है, राज्यसभा में वहां पर कमल का डिजाइन लिया गया है, जो हमारा जलीय पुष्प है कमल, कमल का डिजाइन लिया गया है, ठीक है। ये रेड कलर की राज्यसभा होती है, रेड कार्पेट होता है, तो यहाँ पे रेड कलर का कमल ले लिया गया है, यहाँ पे मोर ले लिया गया है। और जो प्रवेश द्वार है, जब आप संसद भवन के प्रांगण में पहुंचेंगे तो वहां पर एक बरगद का पेड़ लगाया गया, जो हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। यानी सभी प्रकार के जो प्रतीक चिन्ह है उन सभी प्रतीक चिन्हों को यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। अखंड भारत की तस्वीर लगाई गई है, सारी चीजें एस्टेब्लिश की गई है आपको, ठीक है। आप सभी को पता होगा जो मैंने यहाँ पे सिंगोल की बात की है कि एक सिंगोल एस्टेब्लिश किया गया है, एक प्रतीक चिन्ह एस्टेब्लिश किया गया है 14 अगस्त 1947 को, जब देश आजाद हुआ है हमारा रात में, है ना, 14 अगस्त 15 अगस्त के दिन आजाद हुआ है, वही 14 अगस्त की रात थी आपकी, तो उसी टाइम पीरियड पर जो है आपका ये सेंगोल एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। सत्ता हस्तांतरण के तौर पे आप कह सकते हैं पंडित नेहरू को जो है सेंगोल आपका दिया गया था। और ये सेंगोल किसने दिया था, तमिल अधीनम जो धार्मिक मठ थे उनके द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, ताकि अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण का प्रतीक था सेंगोल। तो ये आपको जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सेंगोल से क्वेश्चन पूछ सकता है। सेंगोल आपका तमिल अधीनम के द्वारा भारतीय सत्ता के हस्तांतरण के प्रतीक के तौर पे पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल 5 फीट की जो है आपकी हाइट है सेंगोल की लेकर के, और सेंगोल पे पूरा ये गोल्डन परत आपकी इस पे लगाई गई, गोल्डन तरीके से कवर किया गया है। तो सेंगोल प्राप्त करने के बाद
इसको इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में रख दिया गया था। वर्तमान में इसको कहां रख दिया गया है, इसको उठा करके रख दिया गया है लोकसभा में। पहले ये था प्रयागराज संग्रहालय में, अब वहां से आ चुका है ये कहां पर, आपका सिंगोल लग चुका है लोकसभा के स्पीकर के आसन के समीप, वहां पर इसकी स्थापना की गई है और ये नए संसद भवन में एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। ठीक है, सिंगोल का जो शीर्ष है वहां पर भगवान शिव और नंदी बैल की नक्काशी के चित्रित है, ये ध्यान रखिएगा। जो उसका टॉप है, यहां पे सिंगोल की फोटो नहीं है मेरे पास, लेकिन फिर भी आपको याद रखना है, सिंगोल से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसका जो टॉप है, शीर्ष है, वहां पे नंदी बैल है। ठीक है, भगवान शिव का पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के तौर पे दिखाया गया, नंदी बैल को एस्टेब्लिश किया गया है। और तमिलनाडु में जो चोल राजाज होते थे, चोल राजाओं के शासन काल के दौरान पे जो भी आपके कार्यक्रम होते थे, एक राजा दूसरे राजा को सेंगोल सौंपता था, सेंगोल देता था, तो सेंगोल आपका जो है उत्तराधिकार के नियम को प्रदर्शित करता था। एक शासक दूसरे शासक को जब सत्ता हस्तांतरित करता था तो सेंगोल एस्टेब्लिश किया जाता था। ठीक है, तो देश की आजादी के 75 साल होने के उपलक्ष्य में सेंगोल को लोकसभा के अंदर एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। तो यह ध्यान रखिएगा, सेंगोल से क्वेश्चन आपके पूछेगा ही पूछेगा हर हालात में। ठीक है, यह आपको दिमाग में बैठा के रखना है। हां, नंदी बैल की आकृति ऊपर बनी हुई है, यह आपका जो है पूरा का पूरा संसद भवन से जुड़ी हुई बातें थी। ठीक है, सभी लोगों को मणिपुर हिंसा से जुड़ी हुई बातें भी मैंने आपको बताई, ये कुछ मैंने रिवीजन कराए क्योंकि मैं पहले भी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, ये राष्ट्रीय नव विनिर्माण जो है नवन में सर्वेक्षण हो गया आपका रिपोर्ट, जल निकायों की गणना ये भी मैंने रिवीजन ही कराया है, और ये ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट आपका जो है, देखो मैंने जितना करा दिया है ना करंट अफेयर्स पे, यदि आप देखोगे कहीं पर भी तो आप पाओगे कि रिवीजन ही हो रहा है आप लोगों का। जो बच्चे मेरे साथ एक साल से जुड़े हुए हैं, एक साल से पढ़ रहे हैं करंट अफेयर्स सतत, आज उनके लिए करंट अफेयर्स एक बहुत ही सामान्य विषय बन चुका है, करंट अफेयर्स एक सामान्य घटना बन चुकी है, उनको सारी घटनाएं पता है, हर एक चीज उनको पता है, वो बिल्कुल कंप्लीट अपडेटेड है। तो यदि आप करंट अफेयर्स के सेशन में मेरे साथ रहोगे, मैं आपको गारंटी लेता हूं कि आप सबसे अप टू डेट व्यक्ति रहोगे, आपको चीजें पता रहेंगी, आपको चीजें ये नहीं दिक्कत ही नहीं होगी आपको किसी भी तरीके से। ठीक है,